उज्जैन के बड़नगर चामलेश्वर मंदिर के पास नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, लेकिन यह पुल खराब हो चुका है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से प्रतिदिन यहाँ पर आने जाने के दौरान लोग परेशान हो रहे हैं। कई गांव के लोग इस पुल को पार करके उज्जैन बड़नगर और अन्य शहर को आना जाना करते हैं, पर पुल खराब हो जाने की वजह से आए दिन हादसे दुर्घटनाएं हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार लिखित में शिकायत प्रशासनिक अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों को की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई और मुख्य रोड और मुख्य पुलिया को अभी तक नहीं सुधारा गया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो पुलिया है, कहाँ की पुलिया है और किस प्रकार से लोग परेशान होते हैं, क्या दिक्कत आती है? रामलेश्वर महादेव पुलिया ये करीबन 25 साल पुरानी रपट है, पूरी जीर्ण शीर्ण हो गई है। इसमें आने जाने वाले का बहुत खतरा बना रहता है। अभी बारिश में एक महिला मर गई, यहाँ बह के चली गई। किस कहाँ कहाँ के लोग यहाँ से आने जाना करते हैं, किस प्रकार से क्या रहता है? यहाँ पुलिया पर कम से कम 60-70 गांव के लोगों का आवागमन बना रहता है। रतलाम उज्जैन का मेन पुलिया का एक क्रॉसिंग है। अब खराब होने से सारे लोग परेशान होते होंगे? तो सारे लोग परेशान होते हैं, स्कूल वाले परेशान, इंदौर बसें चलती है 3 गाड़ी, सारे लोग परेशान। अभी तक क्यों इसको नहीं सुधारा जा रहा है, क्यों इसको बनाया नहीं जा रहा है? बार बार हमने सूचना दी, भोपाल गए, उज्जैन गए, ये अधिकारी और नेता लोग ये कोई सुन ही नहीं रहे इस मामले में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।